सुनसान सड़कें, बत्ती गुल, घने जंगल का रास्ता, मन में हनुमान चालीसा दोहराए अजय सरपट भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट खुद सुनाई दे रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। उस सेठ के मन में घबराहट भी थी, काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं, इस रास्ते पर चोर घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ, ये गली ही थी बदनाम चोरों के लिए। अजय ने सारे पैसे दे दिए, बोले अब तो जाने दो, अब तो तूने मुझे देख लिया है, तुझे मारने में ही मेरी भलाई है, चोर बोला। अजय बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत की जिंदगी जी पाओगे, पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा, तुम मुझे मारोगे नहीं, चोर बोला। ठीक है। अजय ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें आईना था। अजय बोला, इसको अकेले में खोलना और एक माचिस की तिल्ली जलाना और तीन बार बोलना, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, फिर तुम जो मांगोगे वो दे देगी। चोर बोला, क्या ये पैसे देगी? अजय बोला, हाँ, पर एक शर्त है, जब भी तुम ये बक्सा किसी और को देना, सारे नियम बता देना, बिना किसी को बताए इसको कहीं रख देना, तो ये फिर तुम्हारे पास ही आ जाएगा। और हाँ, इसको खत्म भी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर बोला, मैं इस अलादीन के चिराग को किसी और को क्यों दे दूंगा? चोर खुशी खुशी बक्से के साथ घर चला गया। अब वो चोर घर आकर उस बक्से को लेकर पहुंचा एक रूम में, वहां फटाफट बक्सा खोला, एक माचिस जलाई और तीन बार बोला, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई, वो डर कर पीछे हट गया, उसकी तो सांसें ही रुक गई। सामने का नज़ारा इतना भयानक था, सामने ईसाइयों के दुल्हन के सफ़ेद ड्रेस में, जिस पर खून के धब्बे थे, सजी हुई एक लड़की थी। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा आधा जला था, उसमें से हड्डी दिखाई दे रही थी, रूम कांपने वाली आकृति थी उसकी। वो बोली, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, पर एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। चोर बोला, ले लेना, पर फिलहाल मुझे पैसे चाहिए। दुल्हन बहुत ज़ोर से हंसी और बोली, लालची लालची, तूने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। हाँ, अचानक पैसे की बारिश होने लगी, चोर पागल हो गया खुशी से। चोर ने पूछा, पर तुम इतने पैसे लाई कहाँ से हो? दुल्हन हंसी और बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम मजे करो। एक भयानक चित्कार के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन वो पान के दुकान पर गया तो पता चला, अजय जिसके उसने पैसे लूटे थे, वो शहर के जाने माने पैसे वालों में से एक था। वो रहस्यमय तरीके से मारे गए और उनके पैसे भी गायब थे। चोर को बड़ा अजीब लगा। 10 साल बीत गए अब इस बात को। अब वो चोर शहर का सबसे रईस बन गया। उसने उस बक्से को तहखाने में रख दिया, जहां उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। यहां तक कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो पूरी तरह जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी था। उसको उस बक्से की याद आई। वो तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और तीन बार पुकारा, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। वो हंसने लगी। वो हंसते हुए आई, फिर से वही भयानक चित्कार वाली हंसी लिए, बोली, कहो, बहुत दिनों बाद याद किया। सुरेश बोला, मेरी बेटी को बचा लो। वो बोली, पर शर्त याद है ना, किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। सुरेश ममता में अंधा हो गया था, बोला, ठीक है, तुम मुझे मार दो, पर मेरी बेटी को बचा दो। वो दुल्हन अपने काले दांत निपोड़ते हुए बोली, नहीं, जिसे मैं चाहूंगी वो मरेगा। हाँ हाँ, फिर उसे आईने में दिखा, सामने वाली पड़ोस की बेटी जख्मी हो गई थी। सुरेश को बुरा लगा, बचपन से उसे देखा था,
वो बोला, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वो दुल्हन हंसते हुए बोली, इंसान लालची होता, तुम फिर आओगे। हाँ, सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन सुरेश की बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी। सुरेश परेशान हो गया। सुरेश की बीवी रोने लगी, वो अपने वारिस का मुंह भी न देख पाएगी। सुरेश ने फिर से उस आईने के पास जाने की सोचा और सोचा, ये आखिरी बार है। वो दुल्हन फिर से आई, हंसते हुए बोली, देखा आ गया ना, बोल क्या चाहिए, मेरी बीबी को वारिस का मुंह दिखा दो। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा, पर शर्त याद है ना, खूनी दुल्हन बोली। वो बोला, हाँ याद है। वो दुल्हन जोर से हंसी। अचानक शीशे में सेठ को अपने बेटे की लाश दिखाई दी। वो जोर जोर से रोने लगा। दुल्हन बोली, क्यों दुख इस बार कुछ ज़्यादा हुआ, क्योंकि अपना बेटा मरा है। हाँ हाँ, वो बक्सा उठा के फेंकने ही वाला था कि आवाज़ आई, खबरदार ऐसा करना भी मत, सारा परिवार तबाह हो जाएगा, तुम्हारा नियत तो बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही किया था, मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने किया। दो दिन बाद ही मेरे पति मर गए और ससुराल वालों ने मुझे भी जला के मार दिया। तब ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ, नियत को मत छोड़ो। सुरेश रोने लगा, कहा, मैंने अपने बारिश से उसके पिता का साया छीन लिया। खूनी दुल्हन बोली, ये बक्सा ऐसा ही है, जो लेता है अंत में पछताता है। हाँ हाँ, सुरेश ने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उस बक्से को लेकर चल दिया उसी गली में जो चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत से पैसे और वो बक्सा दे दिया। शर्तों के साथ बीबी से बोला, हम कल ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, कपड़े बांध लो, और खुद रूम में जाकर पैसे बैग में भरने लगा। अचानक शीशे में वो खूनी दुल्हन दिखी। तो तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? दुल्हन बोली, वो बक्से वाले आदमी ने पैसे मांगे हैं, बोल के जोर से हंसने लगी। सुरेश डर से थर थर काँपने लगा। अगले दिन सुरेश के मौत के चर्चे सबके जुबान पर थे। सब सोच रहे थे कि किसी चोर ने घर में चोरी करके उसको मार दिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।